अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के नान खुदाई बिस्किट। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, ये मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप मैदा, इसको मैंने छान के अलग कर लिया ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। इसको एक बाउल में लिया मैंने, इसके बाद इसमें ऐड किया मैंने 1/2 कप शुगर, और इसके बाद इसमें ऐड किया मैंने 1/2 कप ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करेंगे। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 स्पून बेकिंग पाउडर। इसको मिक्स करने के बाद, अभी ये थोड़ा ड्राई फॉर्म में है, इसमें मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो मैं इसमें मज़ीद ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको आटे की तरह से गूंद लेंगे और ये बहुत ही फाइन लुक में आ जाएगा। मैंने इसको चम्मच से मिक्स किया, आप इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से गूंदने के बाद हमने इसको 1/2 आवर के लिए कवर कर देना है। एक एग लिए और उसकी जर्दी अलग कर लिया क्योंकि हमें टॉपिंग के लिए सिर्फ जर्दी ही चाहिए, इसलिए इसको एक प्याली में मैंने अलग कर लिया है। 1/2 आवर के बाद जब हम देखेंगे तो हमारा मटेरियल जो है वो कुछ इस शेप में होगा। फिर इसको स्पून से इसका थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसके बिस्किट बनाएंगे। बिस्किट आप जितनी फाइन लुक में बनाएंगे इतने ही देखने में भी अच्छे लगेंगे और बनेंगे भी बहुत टेस्टी। हाँ जी, बिस्किट हमारे रेडी हो चुके हैं, देखें कितने प्यारे बने हैं। इसके बाद हम इसकी टॉपिंग करेंगे अंडे की जर्दी से। बिस्किट की टॉपिंग डन हो चुकी है। इसके बाद हमने इसको प्री हीटेड ओवन में सिर्फ 5 मिनट के लिए रखना है। सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे और हमारे बहुत ही मज़े के यम्मी नान खदाई बिस्किट्स जो हैं वो रेडी हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे बने, और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।